अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, हाउ टू चेक बैटरी, एक लैपटॉप ख़रीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें हमारे पास आप मॉडल जो देख रहे हैं वह है HP ZBook Studio G4, जो कि G4 आपको मिलता है न्यू लोगों के साथ HP के। और पोर्ट्स की बात की जाए तो आपको USB सुपर फास्ट पोर्ट मिल जाती हैं, और अगर साइड कट्स की बात की जाए तो ये आपको कंप्लीट मेटल बॉडी में लैपटॉप मिलता है। और साइड पे इन्होंने सिल्वर कटिंग के साथ इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा आपको सिल्वर टच दिया है। फ़ैन्स की बात की जाए तो 3 फ़ैन है, और अच्छा खासा हीटिंग इशू आपका इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि अच्छा खासा हीट सिंक इसके अंदर दिया गया। 3 फ़ैन्स हैं, GPU CPU सब बोर्ड हर चीज़ को ये कूल रखने के लिए होते हैं। अच्छा जी, वन हैंड से खोल के देख लेते हैं तो बेहतरीन वन हैंड से खुलता है, तो यही लग्जरी चीज़ों की निशानी होती है। जो लैपटॉप्स में लग्जरी लैपटॉप्स आते हैं वो सिंगल हैंड से ही खुलते हैं। कीबोर्ड की बात की जाए तो बैकलाइट कीबोर्ड लाइट और ब्लैक कीज़ के साथ हमें मिल जाती हैं ये चीज़ें, और ये भी बड़े खूबसूरत है। ZBook का लोगो प्लस आपको स्पीकर बी एंड ओके मिल जाते हैं। स्क्रीन भी हम देखेंगे तो सबसे पहले लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं, और स्पीकर्स भी साइडों पे हैं। बड़ा अच्छा स्टूडियो में इन्होंने टच दिया इस लैपटॉप के अंदर। मोस्टली जो एप्पल की मैकबुक प्रो हैं उनके भी स्पीकर इसी तरह साइड पे होते हैं। अच्छा जी, ऑन होने पे ये मैक्सिमम इसने 3 सेकंड भी नहीं लिए और डेस्कटॉप पे आ गया। तो लैपटॉप सबसे पहले चेक करते हैं तो मोस्टली क्या चेक किया जाता है, दिस PC की प्रॉपर्टी एक नॉर्मल यूज़र चेक करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी हर चीज़ पता चल जाती है, लेकिन एक प्रोफेशनल वे भी है जहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे आपको i7 है, 7th जनरेशन मिल जाता है, 16 GB इसमें, 32 GB इसमें आपको रैम मिलती है विंडो 11 प्रो के साथ है। और यहाँ पे मॉडल भी पता लग जाता है कि HP ZBook Studio G4 है। अच्छा, ये विंडो 11 में पता चलता है, विंडो 7 में, 8 में, 10 में नहीं ये चीज़ वहाँ पे शो करवाता। तो प्रोफेशनल वे ये होता है कि आपने DXDIAG ओपन करें सर्च में लिख के, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट बताता है ये कितने CPUs के साथ है, कौन सी विंडो है, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको पता चल जाती है। करंट टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, स्टूडियो, अब कोर i7 में 8 CPUs के साथ है, 32 GB रैम, DirectX 12 है। अब डिस्प्ले 1 आपको 630 का मिल जाता है, इसमें आपको देखें ये 1080p 32 बिट और 60Hz के साथ स्क्रीन मिल जाती है इसकी। और डिस्प्ले 2 करेंगे तो इसमें एनवीडिया ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है M1200, कितने GB है, डेडिकेटेड डिस्प्ले मेमोरी है 4 GB, 4 GB डेडिकेटेड है और 16 GB इसमें इंटीग्रेटेड है, टोटल 20 GB इसमें आपको बन जाते हैं। स्पीकर की बात की जाए यहाँ पे तो स्पीकर डिफ़ॉल्ट वाइस नो नहीं, यस है तो मीन स्पीकर जेन्युइन है। NA हो तो ये जेन्युइन होते हैं, अगर NA की जगह कोई प्रोडक्ट ID वेंडर ID हो तो मतलब स्पीकर चेंज हुए हैं। इनपुट में जाएंगे, माउस कीबोर्ड दो चीज़ें आप ये ज़रा ज़्यादा गौर कर लिया करें, अगर NA है तो जेन्युइन है, अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ID वेंडर ID या कुछ शो हो जाए तो मीन्स के चेंज कर दिया गया है। अच्छा ठीक है जी, आपने दूसरा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है या टास्क मैनेजर आप ओपन कर लें, ये शॉर्ट की है इसकी। यहाँ से आपने देख लेना है जी, परफॉर्मेंस में आ जाना है। परफॉर्मेंस में CPU में आप देख सकते हैं कोर i7 7th जनरेशन है, HP प्रोसेसर, 4 कोर हैं, 8 लॉजिकल प्रोसेसर है, 6 MB कैशे के साथ है। और मेमोरी में आप देख सकते हैं 32 GB, आप यहीं से देख लेते हैं, एक लगी है कि दो, 2 of 2 है स्लॉट यूज़, मतलब 16 GB की दो हैं। SSD की बात की जाए तो सैमसंग की इसमें SSD लगी हुई है 1 TB की, और ये टाइप में आपको बता देगा जी SSD है। तो यहाँ पे आप CPU और GPU भी देख सकते हैं, जैसे इंटेल का 630 था और इसमें M1200 लगा हुआ था क्वाड्रो वाला। क्वाड्रो सीरीज बेसिकली होती है प्रोग्रामर्स के लिए जो कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर इस तरह की जो चीज़ें यूज़ करते हैं वर्क स्टेशन में। गेमिंग भी होती है लेकिन उसमें ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का ज़्यादा अमल दखल देखा जाता है इस चीज़ पर, तो ये फिर वर्क स्टेशन सीरीज़ बनाई गई होती है इनके लिए स्पेशल। अच्छा, दूसरा आप जी एनवीडिया का कंट्रोल पैनल खोल के वहाँ पे वर्जन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं DDR4 है, 5 है, 6 है, तो सिस्टम इन्फो में आएंगे आप, और सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आपको ये बता देगा कि इसमें ग्राफिक कार्ड DDR5 है, देखिए डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी लिखा हुआ है 4 GB की है, DDR5 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आगे मतलब ये भी चेक कर सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड DDR5 में जो है आप HD में, FHD के अंदर गेम्स खेल सकते हैं, 60+ आपको इसमें FPS मिलेंगे। दूसरा जी, इसमें बैटरी चेक करने की जो कमांड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वैसे पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट लेके एंटर करना है। तो यहाँ पे सी और जो यूज़र है ना, यहाँ से या तो ये कॉपी कर लें या स्टेप बाय स्टेप जैसे कह रहा है वहाँ पे जाके बैटरी रिपोर्ट देख सकते हैं। जिस PC में जाएँ और इसी बार के अंदर आप इसको कंट्रोल की दबा के पेस्ट कर दें, एंटर करें, बैटरी रिपोर्ट शो करा देगा।
अब बैटरी इसमें हम देख लेते हैं, जिसमें बैटरी हमारे पास कितने mAh की लगी हुई है। तो यहाँ पे तो ZBook Studio G4 बता दिया है, उसका BIOS बता दिया है। तो इंस्टॉल बैटरी में हम देख लेना है, मैनुफैक्चर HP का कंप्लीट नेम लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ तो बैटरी चेंज है। 63,000 mAh की बैटरी है जिसमें 51,000 इसमें रिमेनिंग है, तो मतलब थोड़ी बहुत बैटरी ड्रेन हुई हुई है। तो जब से विंडो की है इसमें 3 घंटे बैटरी टाइमिंग है, 4 घंटे, 5 घंटे, तो आराम से नॉर्मली इसमें बैटरी टाइमिंग 5 घंटे ली गई है। वो होता है ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह करके या किस तरीके का यूज़ है। तो जो मल्टीमीडिया पे इसने टाइमिंग दी वो 3 घंटे प्लस है। दूसरा, आपने इसका कंप्लीट अगर आपने मॉडल नंबर सीरियल नंबर जानना है कि बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं, तो उसमें आपने WIMC BIOS गेट सीरियल नंबर लिखना है। इसके भी डिस्क्रिप्शन में कमांड मिल जाएगी, यहाँ से आपने सीरियल नंबर उठाना है, जाके आपने इसको गूगल के अंदर HP लैपटॉप्स ड्राइवर्स वहाँ पे HP की वेबसाइट पे जाके सीरियल नंबर में पेस्ट करेंगे तो आपको बता देगा जी ग्राफिक कार्ड ठीक है, कौन सा इसमें कौन कौन से मॉडल के ग्राफिक कार्ड आते हैं, और अगर ना शो हो रहा हो तो मीन्स के इसका बोर्ड वगैरह रिप्लेस्ड है। ठीक है जी, ये चीज़ें भी आपने चेक कर लेनी है। और उसके बाद आपने कैमरा वगैरह और इसका ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट कीबोर्ड का चेक कर लेना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी चेक करना ज़रूरी है। मोस्टली बैटरी होती है जो इसकी चेक की जाती है। ठीक है, वॉल्यूम चेक कर लें, डिस्प्ले चेक कर लें, स्क्रीन वाइट करके इस पर चेक कर लें कि कोई वाइट स्पॉट, कोई ब्लैक लाइन, कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा आप डिवाइस मैनेजर में जाएं, वहाँ पे पता लग जाएगा बायोमेट्रिक है इसमें कि नहीं है। जो सी डिवाइसेस इसके अंदर होनी चाहिए अगर यहाँ पे शो हो जाए तो मीन्स के है, जैसे ब्लूटूथ है, बायोमेट्रिक है, ग्राफिक कार्ड हो गया, ह्यूमन इंटरफेसिस हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हमें तसली से चेक कर लेनी है। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये तकरीबन आपको 1,60,000 और 70,000 की रेंज में मिलने वाला है, 1.5 लाख तक की रेंज में लोकल बाइंग भी आपको इसकी मिल सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो जी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी वीडियो में आप कुछ भी किसी भी लैपटॉप रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप फ्रीली आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राना जवाद अहमद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।